प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा समाप्त हो चुका है, जिसकी चर्चा पूरे देश में रही। इस दौरे के बाद भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा के नियमों में भी राहत मिली है। आज अमेरिका में भारतीय मूल के निवासियों की संख्या भी अच्छी खासी है। साल 2012 के आंकड़ों के मुताबिक न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीयों की कुल संख्या 2,92,256 है। लेकिन अगर बात की जाए 19वीं सदी की, तो अमेरिका की नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं होता था। उसी दौर में एक भारतीय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अमेरिका की नागरिकता हासिल की। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की नागरिकता लेने वाले पहले भारतीय की। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। अमेरिका में 19वीं सदी में सालों से जारी नस्ल भेद का दौर था। उस माहौल में भीकाजी बलसारा पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल की। बलसारा बंबई के पारसी थे, जो साल 1900 में टाटा समूह के लिए कपास खरीदार के तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुंचे और न्यूयॉर्क में रहने लगे। ये वो दौर था जब अमेरिका में सिर्फ आजाद श्वेत लोगों को ही यूएस की नागरिकता दी जाती थी, जो कि 1790 के नेशनलाइजेशन एक्ट के तहत मिलती थी। अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए ये साबित करना बेहद जरूरी होता था कि वो आजाद और श्वेत हैं। भीकाजी बलसारा ने इस कानून के आधार पर अपनी पहली लड़ाई साल 1906 में न्यूयॉर्क के सर्किट कोर्ट में लड़ी। द न्यूयॉर्क टाइम्स साल 1910 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भीकाजी ने दलील दी थी कि स्वतंत्र श्वेत व्यक्ति क्या है। क्या वो खास तौर से उन उत्तरी यूरोपीय देशों से संबंधित हैं जो अमेरिकी राज्यों में रहते हैं? जब फादर्स ने स्वतंत्र श्वेत व्यक्तियों को छोड़कर सभी को नागरिकता से प्रतिबंधित करने के लिए अपना कानून पारित किया था, जज लैकोम्बे ने जून 1909 में बलसारा को नागरिकता देते हुए कहा था कि आवेदक उच्च चरित्र और असाधारण बुद्धि का सज्जन व्यक्ति प्रतीत होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेचुरलाइजेशन के आदेश के खिलाफ अपनी अपील में ये तर्क नहीं दिया है कि वो किसी शारीरिक, मानसिक या नैतिक बाधा से पीड़ित है, बल्कि ये कि वो एशियाई देशों में से एक है जिसके इस देश में माइग्रेशन पर लॉ मेकर्स ने कभी विचार नहीं किया था। भीकाजी को न्यूयॉर्क के साउथ कोर्ट ने जज एमिल हेनरी लैकोम्बे ने इस उम्मीद के साथ अमेरिका की नागरिकता दे दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वकील उनके इस फैसले को चुनौती देंगे, साथ ही कानून की आधिकारिक व्याख्या के लिए अपील करेंगे। अमेरिकी अटॉर्नी ने लैकोम्बे की इच्छाओं का पालन किया और 1910 में इस मामले को सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में ले गए। सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सहमति जताई कि पारसियों को श्वेत के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसी फैसले के आधार पर बाद में एक दूसरी फेडरल कोर्ट ने ए के मजूमदार को अमेरिका की नागरिकता दी थी। बलसारा के पक्ष में आया ये फैसला अमेरिकी अटॉर्नी जनरल चार्ल्स जे बोनापार्ट की 1907 की घोषणा के विपरीत था। उस फैसले में कहा गया था कि किसी भी कानून के तहत ब्रिटिश भारत के मूल निवासियों को श्वेत नहीं माना जा सकता है। हालांकि ये वो वक्त था जब भारतीय युवा अच्छी पढ़ाई के बूते सामाजिक सीढ़ी से ऊपर बढ़ रहे थे। उदाहरण के तौर पर एक नाम है धन गोपाल मुखर्जी, जो कि साल 1910 में यूसी बर्कले आए। उस समय उनकी उम्र महज 20 साल की थी। वो बच्चों की किताबों के प्रतिभाशाली लेखक थे। उन्हें गे ने द स्टोरी ऑफ अ पिजन के लिए साल 1928 में न्यूबेरी मेडल से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद साल 1912 में गोविंद बिहारी लाल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वो सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के साइंस एडिटर बने और इसके साथ ही बाद में वो पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये 1917 में शुरू किया गया था, जो कि अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड है। इसी कड़ी में साल 1922 में येल्ला प्रगड़ा सुब्बा राव अमेरिका आए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट बने। उन्होंने सेल में एनर्जी सोर्स के तौर पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की खोज की और कैंसर के इलाज के लिए मेथोट्रेक्सेट डेवलप किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने भारतीय इमिग्रेशन के लिए दरवाजा फिर खोल दिया। साल 1946 के लूज सेलर एक्ट के अकॉर्डिंग हर साल 100 भारतीयों को अमेरिका के प्रवास की अनुमति दी गई और फिर साल 1952 के नेचुरलाइजेशन एक्ट ने साल 1917 के
प्रोहिबिटेड एरिया एक्ट को निरस्त कर दिया। इसे मैककारन वाल्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि इसमें भी हर साल केवल 2000 भारतीयों को ही अमेरिकी नागरिकता देने की रोक रखी गई। हालांकि वक्त के साथ ही हालात भी बदलते गए और साल 1955 आते आते सैन फ्रांसिस्को में 21 होटल इंटरप्राइजेस में से 14 गुजराती हिंदू चला रहे थे और साल 1980 तक भारतीयों के पास करीब 15,000 मोटल थे, जो अमेरिका के सभी होटलों और मोटलों का लगभग 28% था। भारत से 21वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में इमिग्रेशन में अहम बदलाव देखा गया। बैंगलोर, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद में आईटी सेक्टर में जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में भी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका गए। अमेरिका की ओर से हर साल जारी किए जाने वाले टोटल H-1B वीजा में 80% से ज्यादा भारतीयों को ही मिलते थे। भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच डाला। वो साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के साथ चल रही साथी के तौर पर उपराष्ट्रपति चुनी गई। इसके अलावा 20 अन्य भारतीय अमेरिकियों को प्रशासन में प्रमुख पदों पर नामांकित किया गया। ये स्टोरी आपके लिए तैयार की है हमारे साथी मंचकार ऋषभ ने। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस स्टोरी पर आपकी राय कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।